महाबोधि मंदिर बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक, जो बुद्ध के ज्ञानोदय के स्थान को चिन्हित करता है। यह बिहार की वह पावन धरती है जहां तथागत भगवान बुद्ध ने मानव के दुखों के कारणों की तलाश की और आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति की, जहां उन्होंने लोगों को बुद्धम शरणम गच्छामि व धम्मम शरणम गच्छामि का मूल मंत्र दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज़। बिहारी विहार के आज के इस सेगमेंट में हम लोग उस स्थल का भ्रमण करेंगे, उस जगह की जो दुनिया भर के बौद्ध धर्मावलंबियों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। बिहार के गया शहर से करीब 12 से 13 किलोमीटर दूर बोधगया में स्थित महाबोधि वह पुण्यभूमि है जहां सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने, जहां उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वहीं अब विश्व भर के एक बड़े भूभाग में फैल चुके बौद्ध धर्म का जन्म हुआ और जहां विश्व भर के एक बड़े भूभाग में फैल चुके बौद्ध धर्म का जन्म हुआ, जिसके बाद इसमें कोई संदेह नहीं है कि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति इसी बिहार की धरती पर हुआ। बौद्ध धर्म के अनुयायियों के इस सर्वश्रेष्ठ और पवित्रतम स्थल की महिमा अपरंपार है। बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध के पौराणिक आध्यात्मिक ज्ञान स्थली पर महाबोधि मंदिर है। बौद्ध सर्किट मानव कल्याण की दिशा में भगवान बुद्ध के कार्यों की निशानी है। मंदिर के गर्भगृह में बुद्ध की सोने की चित्रित प्रतिमा, पाल राजाओं द्वारा निर्मित काले पत्थर की प्रतिमा है। यहाँ भगवान बुद्ध को भूमिपुत्र मुद्रा या पृथ्वी को छूने वाले आसन में बैठा हुआ देखा जाता है। महाबोधि मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। यह पावन स्थल दुनिया भर के बौद्ध तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को आकर्षित करता है। पूरी कहानी जानने के लिए हम आपको 563 ईसा पूर्व लेकर चलते हैं। हम लोगों ने किताबों में खूब पढ़ा है कि गौतम बुद्ध राजसी परिवार से आते थे। जी हाँ, बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व के बीच शाक्य गणराज्य की तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था, जो नेपाल में है। कपिलवस्तु के राजा सुदोधन के यहाँ जन्मे इस बालक का नाम सिद्धार्थ गौतम रखा गया। ऐश्वर्यपूर्ण जीवन, सुंदर पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल के होते हुए भी उन्हें गृहस्थ जीवन का मोह नहीं बांध सका। कुछ विद्वानों के अनुसार गौतम ने दूसरों के दुख को न सह सकने के कारण घर छोड़ा और ज्ञान की खोज में निकल पड़े। उरुवेला नामक स्थान पर, जो अब बोधगया के नाम से जाना जाता है, निरंजना नदी के पास 5 वर्ष की कड़ी तपस्या करने के बाद भी बुद्ध को कुछ हासिल नहीं हुआ। मिली तो बस कमजोरी और कंकाल के ढांचे जैसा शरीर, जो कि क्षीण हो चुका था और अब कभी भी बुद्ध की जान निकल सकती थी। तभी करीब के गांव की एक कन्या, जिनका नाम सुजाता था, उन्होंने अपनी खीर खिलाकर गौतम की जान बचाई, जिसके बाद गौतम बुद्ध को समझ में आ गया कि भूखे प्यासे इस कठोर तप से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। तभी उन्हें ज्ञान के बोध होने का मार्ग प्रशस्त हुआ। बुद्ध के जीवन में सुजाता का बड़ा योगदान रहा। इसके बाद ही गौतम बुद्ध यहाँ स्थित पीपल के पेड़ के नीचे साधना पर बैठ गए। 7 सप्ताह की साधना पूरी करने के बाद उन्हें इसी पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी वजह से इस वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा गया। इसके बाद भगवान बुद्ध ने यहाँ लोगों को बुद्धम शरणम गच्छामि व धम्मम शरणम गच्छामि का मूल मंत्र दिया। इसके बाद यहाँ से निकलकर देश के अलग अलग हिस्सों में गए, जिसमें सारनाथ भी शामिल है। यहाँ पहुंचकर बुद्ध ने ब्राह्मणों के बच्चों को शिक्षा देना शुरू किया और यहाँ उन्होंने कहा था, संघम शरणम गच्छामि। ये तीनों बुद्ध का महामंत्र है। इन मंत्र के बिना बुद्ध की कोई भी पूजा असफल मानी जाती है। बुद्ध का जन्म बैशाख की पूर्णिमा को हुआ। बैशाख की पूर्णिमा को उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और आषाढ़ की पूर्णिमा को उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और बैशाख की पूर्णिमा को अपना शरीर त्याग दिया। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि इस बोधगया का नाम उरुवेला था, लेकिन जब बुद्ध यहाँ से चले गए तब लोगों ने जाते हुए देखा तो पूछा, बुद्ध? तो जानने वालों ने कहा कि गया, जिससे बन गया बुद्ध गया, जिसका खंडित रूप बोध गया है। लोगों का मानना है कि यहाँ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसलिए बुद्ध गया ना रख कर बोध गया रखा गया। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद 7 सप्ताह यहाँ गुजारे, लेकिन 7 अलग अलग जगह बिताए थे, जो कि महाबोधि मंदिर के परिसर में सभी मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं कि विहार समूह में सुबह के समय घंटों की आवाज़ मन को एक अजीब सी शांति प्रदान करती है। यहाँ आपको बोधि वृक्ष देखने को मिलेगा, जहाँ बुद्ध ने
ने ज्ञान प्राप्ति के बाद दूसरा सप्ताह इसी बोधि वृक्ष के आगे खड़ा अवस्था में बिताया था। यहाँ पर बुद्ध की इस अवस्था में एक मूर्ति बनी हुई है। इस मूर्ति को अनिमेश लोचन कहा जाता है। मुख्य विहार के उत्तर पूर्व में अनिमेश लोचन चैत्य बना हुआ है। मुख्य विहार का उत्तरी भाग चंकामाना नाम से जाना जाता है। इसी स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद तीसरा सप्ताह व्यतीत किया था। अब यहाँ पर काले पत्थर का कमल का फूल बना हुआ है, जो बुद्ध का प्रतीक माना जाता है। महाबोधि विहार के उत्तर पश्चिम भाग में एक छतविहीन भग्नावशेष है, जो रत्नाघारा के नाम से जाना जाता है। इसी स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद चौथा सप्ताह व्यतीत किया था। दंत कथाओं के अनुसार बुद्ध यहाँ गहन ध्यान में लीन थे कि उनके शरीर से प्रकाश की एक किरण निकली। प्रकाश के इन्हीं रंगों का उपयोग विभिन्न देशों द्वारा यहाँ लगे अपने पताके में किया गया है। बुद्ध ने मुख्य विहार के उत्तरी दरवाजे से थोड़ी दूर पर स्थित अजपाला निग्रोधा वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति के बाद पांचवा सप्ताह व्यतीत किया था। बुद्ध ने छठा सप्ताह महाबोधि विहार के दाईं ओर स्थित मुचलिंडा झील के नजदीक व्यतीत किया था। इस सरोवर के बारे में कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद लगातार छठा सप्ताह ध्यान में बिताया था। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान बुद्ध ध्यान में थे तो एक तेज आंधी बारिश आई और बुद्ध को भीगते हुए देख कर झील के सर्प राजा मुचलिंडा अपने निवास से बाहर आए और बारिश से बुद्ध की रक्षा की। मुचलिंडा सरोवर को लोटस पॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसमें ध्यान की स्थिति में भगवान बुद्ध की एक मूर्ति स्थापित की गई है, जो उसी दृश्य को दर्शाती है। इसके अलावा झील में कई मछलियां हैं, जिन्हें यहाँ आने वाले पर्यटक मुरमुरे खिलाते हैं। आप भी खिला सकते हैं। इस विहार परिसर के दक्षिण पूर्व में राजयातना वृक्ष है। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना सातवां सप्ताह इसी वृक्ष के नीचे व्यतीत किया था। यहीं बुद्ध दो बर्मी यानी कि बर्मा का निवासी व्यापारियों से मिले थे। इन व्यापारियों ने बुद्ध को आश्रय की प्रार्थना की। इन प्रार्थना के रूप में बुद्धम शरणम गच्छामि, मैं बुद्ध को शरण में जाता हूँ उच्चारण किया। इसी के बाद से यह प्रार्थना प्रसिद्ध हो गई। इस बोधगया महाविहार की खोज ब्रिटिश कमांडर सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1883 में की थी। कहा जाता है कि यहाँ स्थित बोधि वृक्ष, जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसे सम्राट अशोक की पत्नी ने नष्ट कर दिया। सम्राट अशोक ने बोधि वृक्ष को वापस लगाया था। यह बुद्ध विहार भूकंप से जमीन के अंदर जमीन दोज हो गया था। देशभर में करीब 84,000 बौद्ध विहार थे। इन सारे विहारों का निर्माण प्रियदर्शनीय सम्राट अशोक ने पूरे भारतवर्ष में किया था। उसमें से यह महाबोधि विहार मुख्य विहार था। इसका प्रमाण अशोक के शिलालेखों से भी मिलता है, क्योंकि इसी पवित्र भूमि पर बोधि वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को सत्य का ज्ञान प्राप्त हुआ। बोधि चेतना जागृत हुई, उसी कारण इसे अति पवित्र स्थान माना जाता है। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था कि 1600 साल बाद भी यह बौद्ध विहार जमीन के अंदर वैसे की वैसे मजबूत पाया गया। एक ब्रिटिश कमांडर के द्वारा खोज करने से उसे अंग्रेजी भाषा में टेंपल कहा गया। असल में इसे ही महाबोधि विहार से जाना जाता है। कुदरत के चमत्कार से आज भी वह वैसे का वैसा ही मजबूत रहा है। यहाँ क्यों जाना चाहिए अब आपको पता चल गया होगा। फिर आप हमें बताएं कि आप यहाँ कब आ रहे हैं। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।